లోక్సభలో కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. పోలీస్ కా ఏక్ డిపార్ట్మెంట్ హై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కా ఉస్కా జిమ్మేదారీ దియా హై ఐపీసీ సిఆర్పిసి అమెండ్మెంట్ కర్నే కే లియే అభీ తక్ సభీ సర్కారోం కు చిట్టి భీ లికే హై సభీ సర్కారోం కు చిట్టి లిఖకర్ లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ కు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు సుజావ్ మాంగే హై భారత సర్కార్ కే తరఫ్ సే హమారా సర్కార్ తయ్యార్ హై డ్రాఫ్ట్ భీ రెడీ హై బీపీఆర్ ఎండ్ కు జిమ్మేదారీ దియే హై సభీ ఆప్ హీ లోన్ సే భీ ఆప్కే సంసద్ కే సామ్నే భీ హమారే ఆదరణీయ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా జీ तुरंत लाने का प्रयास करें, चर्चा करें, प्लानिंग करें. अभी मैं चाहता हूं ऐसा इंसिडेंट पे पुलिस और एक्टिव काम करना चाहिए. अभी मैं उनका परिवार से मिला हूं, अभी ये समय है नहीं है. आज सारी देश विदेशों में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे इस इंसिडेंट के ऊपर. निर्भया का इंसिडेंट पे कम से कम बाड़ी तो भी मिला, अपने सामने उनका परिवार उनके सामने बाड़ी मिला था, मगर ये इंसिडेंट में ना बाड़ी मिला ना बात किया. ये बहुत भयंकर संगठन है, ऐसा दुनिया देश भर में हो रहे. इसके लिए भारत सरकार हम तैयार है, हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है और सभी पार्टियों से मिलकर ये समस्या हल करना चाहिए. पूरे एनजीओ को इन्वॉल्व करना चाहिए. अध्यक्ष जी एक एक बात बोलकर मैं समाप्त करता हूँ. एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम एक लागू किया है हम. एक 112 नंबर देश भर का एक इंटीग्रेटेड नंबर हम लागू किया है. सभी प्रांतों में शुरू हो गए, तेलंगाना में अभी अभी शुरू हो रहे, दिल्ली में मैं कुछ शुरू किया हूं. उसमें 100 101 102 108 सभी मिलकर एक ही नंबर से अगर दबाए तो वो नंबर कॉल किए तो परिवार को जाएगा, लोकल पुलिस स्टेशन को जाएगा, लोकल पुलिस एसीपी की जाएंगे, डीसीपी की जाएंगे. ऐसे लगभग 10 लोगों को एक ही बात में जाते हैं. उसके साथ साथ तो ये नंबर जो ट्रैक द्वारा सेटेलाइट के द्वारा जिधर भी हो, किधर है, कितना दूर है लड़की, नहीं तो बच्चे कितने दूर है, जो हेल्प चाहते हैं वो कितना दूर है, वो सभी लोगों को मालूम पड़ता है. इसका नंबर आने कल परसों क्वेश्चन भी है, कल क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं. आज भारत सरकार इस महिलाओं के विषय पर, लड़कियों के विषय पर, उसका रक्षा के विषय पर, इन्वेस्टिगेशन के विषय पर, प्रोसिक्यूशन के विषय पर कमिटमेंट है, कमिटेड है. हम आने वाले दिन में भारत सरकार ये जो टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस जैसा है, करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, वैसा ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम करेंगे. धन्यवाद.